हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हो? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, खूब ही खुश और मस्त होंगे। तो दोस्तों, ये मेरा ब्लॉग जो है ये है सुबह 5 बजे का ब्लॉग है। सुबह के बज रहे हैं 5, तो आप लोग आज देखिए मेरा मॉर्निंग रूटीन। और दोस्तों, यही ज़्यादातर मॉर्निंग और इवनिंग और यही सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और दोस्तों, ब्लॉग अगर आप लोगों को मेरे पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप लोगों के होंगे प्यारे प्यारे दोस्त उनमें भी शेयर करें। तो चैनल वगैरह सब्सक्राइब करें मत जाइएगा, अगर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। बोलते हैं ना दोस्तों, एक छोटी सी खुशी किसी को दे सको तो इससे बढ़कर बात क्या होती है। तो दोस्तों, यहाँ ये जो वीडियो देख रहे हो आप, छोटा सा, बिल्कुल छोटा ही सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये मैं गई थी गांव, मेरा गांव का ये वीडियो है, तो मैंने थोड़ा सा क्लिक कर ली थी। मैं नहीं कर रही थी, मेरा बड़ा वाला बेटा कर रहा था, तो मैं बहुत दिनों का मेरे पास वीडियो पड़ा हुआ था, तो मैं सोची चलो क्यों ना आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और इधर मेरे अर्चित जो हैं उनको बहुत ही अच्छा लग रहा था, इधर भाग रहे थे उधर भाग रहे थे, तो दोस्तों मैं उनको पकड़ रही थी और हस्बैंड के साथ बातें करते करते जा रही थी। तो बोलो, मैं बोल रही थी बेटे से अब बस करो, रहने दो। तो बोला नहीं नहीं मम्मी, यहाँ का जो अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तब मैं बोली चलो अच्छा, तुम जो भी है, मैं तो आपस में बात करते हुए जा रही थी और ये अपने बनाते हुए जा रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ देखिए अब मैं दिखा रही हूँ अपना मॉर्निंग का रूटीन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 5 बजे का टाइम है, तो मैं यहाँ पर भर रही हूँ दोस्तों बोतल, क्योंकि पानी आ गया था, तो मैं सोची फटाफट मैं बोतल भर लूँ यहाँ पे। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैं आ गई हूँ, जो कि यहाँ पर का मैं टाइम बताऊँ तो बज रहे हैं दोस्तों 11:30 बजे का टाइम है, 11:30 बजे का टाइम है। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, मैं यहाँ पे खड़े होकर ढूंढ रही थी बाल्टी, जो कि मेरी नहीं मिल रही थी, तो मैं सोची पता नहीं किधर है। तब तक मेरे को नज़र आ गई छत के ऊपर बाल्टी पड़ी हुई है, तो मैं सोची इसको कैसे उतारा जाए, क्योंकि जब तक मैं चढ़ूँगी नहीं तब तक मेरी बाल्टी नहीं मिलेगी, मेरे को चढ़ना ही पड़ेगा तभी मुझे बाल्टी मिलेगी। तो मैंने इधर लगाई हूँ दोस्तों सीढ़ियाँ, मेरे सीढ़ी लगा के मैं चढ़ गई। तो अभी तक मैं तो दोस्तों ऐसे ही चढ़ती थी, ऐसे ही उतरती थी, और ये मेरे हस्बैंड जी को मेरे पे आ गया तरस, जो कि ये मेरे लिए सीढ़ियाँ बना के लेके आए। तो ये मेरे को बहुत आराम हो गया है इसकी वजह से, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत कामयाब है। और क्योंकि मेरा डेली काम है, डेली का मेरा रूटीन है, शाम के टाइम शाम सुबह दोनों टाइम छत के ऊपर ज़रूर जाती हूँ। तो दोस्तों, सीढ़ी बाल्टी तो मैंने उतार के नीचे रख ली हूँ। और इधर देखिए दोस्तों, इधर जो है मेरे कुछ कपड़े हैं जिनको मैं इनको धोना था मुझे, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ ना, तो मैं सोची चलो मैं कपड़े जो है ना इनको भिगा ही दे रही हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मुझे भिगाने हैं कुछ कपड़े, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, और धोती हूँ या नहीं धोती हूँ ये तो आपको देखना पड़ेगा।
फ़िलहाल मैंने कपड़े धोए नहीं थे और मैं भिगा के ही चली आई इधर किचन में, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम था जो कि किचन का करना था। ये दोस्तों ये है, यहाँ पे है दोस्तों 12 बजे का टाइम है, तो यहाँ पे मैंने बनाई थी क्योंकि लंच की तैयारी की थी, वो भी रोटियाँ बनाई थी क्योंकि सुबह मैंने बनाई तो थी, क्योंकि अब मैं सुबह ही का मतलब सुबह ही बना लेती लंच और मतलब नाश्ता से लेके लंच तक का। फिर भी कभी कभी हो जाता है ना बाई चांस, जैसे रोटियाँ कम पड़ गई या कभी कभी सब्ज़ी नहीं रहती है, कभी कभी तो सभी के साथ होता होगा। तो दोस्तों थोड़ा सा आटा गूंद के मैंने बनाई थी यहाँ पे रोटियाँ, 3-4 से रोटियाँ बना ली थी और थोड़ी सी मतलब रखी थी, 3-4 रोटियाँ भी रखी थी, 3-4 बना ली थी। तो यहाँ पे फिर से मेरा किचन हो गया था गंदा, तो मैं सोची इसको क्लीन कर लूँ, तो इसको फटाफट मैं क्लीन कर रही हूँ किचन को। किचन मेरा हो चुका था क्लीन, तो मैं इधर आ गई हूँ दोस्तों। मैंने डाली थी धूप में कुछ कपड़े, धो के डाली थी सुखाने के लिए, और जो कि दोस्तों यहाँ पे मैं पलटी कर रही हूँ क्योंकि आजकल का जो मौसम चल रहा है ना, कभी धूप हो जा रही है, कभी बादल हो जा रही है, कभी बारिश हो जा रही है, कभी नहीं हो रही है, तो ऐसा कुछ मौसम चल रहा है। कभी कपड़े अंदर उतार के रखने पड़ रहे हैं, कभी बाहर डालने पड़ रहे हैं, तो पलटी कर रही थी। मैं सोची ना सूख जाए, जो कि हस्बैंड बोल के गए थे क्या करती रहती हो मंजू, मेरे कपड़े हमेशा गीले ही जब देखो तब गीले ही पड़े रहते हैं। तो मैं सोच चलो इनको भाई पहले उनका ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद बाकी के काम करने पड़ेंगे। तो दोस्तों इधर हूँ मैं किचन में, किचन में जो कि मेरा फैला पड़ा हुआ था तो आप देख सकते हो, उसको मैं ठीक कर रही हूँ। ऊपर का बिस्तरा मैं झाड़ूंगी और नीचे लगाऊंगी दोस्तों पोछा।